अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप हायर की एलईडी के साथ जो एंड्रॉयड एलईडी है उसके साथ वॉइस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो कि आप जो नए हायर नए रिमोट लिए हैं उसके अंदर जो है आप रिमोट से वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि आपने एलईडी ऑन कर लेनी है, आपकी वाईफाई जो है इधर से आपने अटैच करनी है, ठीक है, इधर जाना है, इधर जाके अपना जो भी आपकी वाईफाई है उसको कनेक्ट करना है साथ। उसके बाद आपने YouTube पे आ जाना है। जब आप YouTube पे आएंगे तो इधर सर्च का ऑप्शन है, सर्च पे जाना है आपने। सर्च पे जाके इधर माइक का ऑप्शन है, माइक पे जाके आपने ओके करना है। जब आप इसे ओके करेंगे ये ऊपर शो करेगा कि आपने, अब ये देखने जा रहा है स्पीच नाउ, आपने बोलना है इस पर न्यू सॉन्ग, न्यू सॉन्ग। अब ये देखें, अक्सर हो जाता है कि ये पेड, इसको सबसे पहले पेड करना है फिर ये आपकी वॉइस जो है वो कैच करेगा, वरना ये ट्राई अगेन दे देगा। उसके लिए आपने रिमोट के ऊपर है ये दो बटन दिए हुए हैं, इन दोनों को इसके सामने रख के 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। ये इधर कॉर्नर पे आ रहा है ऑटो पेडिंग, फिर इसको आपने छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर ये आ जाएगा पेड का ऑप्शन, पेड का ऑप्शन जब आ जाएगा उसके बाद फिर आपने माइक पे जाना है, माइक पे जाके इसको ओके करना, ओके करके आपने जो भी बोलेंगे वो आपको सर्च हो जाएगी। ये देखिए जैसे कि न्यू सॉन्ग, ये देखिए जैसे ये सर्च हो रहा है, आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। इससे आपका आसानी से रिमोट जो है वो वर्क करता है। बाज़ूकात होता है कि लोग पूछते हैं कि ये भाई ट्राई अगेन का ऑप्शन दे देता है, उसकी वजह यही है कि आपने सबसे पहले रिमोट को इसके साथ पेड करना है, उसके बाद आपने माइक पे जाके इसको सर्च करना है तो आपकी जो वॉइस जो कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आपने अगर टाइपिंग करनी है तो आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, जैसे ये सर्च पे आके ये आपने इधर जो भी कुछ दिया, आपने कोई भी चीज़ इधर से सर्च, जो भी आपने और लाइक करते हैं जिस चीज़ को आप कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं आप लिख रहा हूँ न्यू सॉन्ग, ये देखिए न्यू सॉन्ग, इधर आके आपने सर्च कर देना है। वैसे भी ये नीचे खुद ही शो हो जाएगा, इधर से कोई भी चीज़ आप जो अपनी चला सकते हैं। ये देखिए ये देखिए, आप कोई भी चीज़ जो है इधर से चला सकते हैं। उसके बाद आपके एलईडी के अंदर जो नेटफ्लिक्स है वो भी चला सकते हैं, हायर की कोई भी एंड्रॉयड K6600 सीरीज या K6 है, सबका सेम जो है सॉफ्टवेयर है आपके आगे जो सेम इसी तरह का ही आएगा। जब भी आपकी एलईडी जो है ऑन होगी तो हायर की जो एंड्रॉयड है उसके साथ सबका पेड करने का सेम तरीका है, सेम चलाने का तरीका है। ये देखिए नेटफ्लिक्स है, इधर जाके अपने आपने अपनी जीमेल पासवर्ड लगाना है जो भी आपकी जो है नेटफ्लिक्स का, तो उसके बाद ये देखिए साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, अपने साइन इन पे जाना है, साइन इन पे जाके अपनी लॉगिन पासवर्ड लगाएं, आगे पासवर्ड आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, दे के आप इसको सर्च करें तो आपकी पेड हो जाएगी, आप अपनी वो चला सकते हैं नेटफ्लिक्स। उसके बाद काफ़ी ऑप्शन है इसमें, लाइव टीवी का ऑप्शन है, उसके बाद ये है आप मोबाइल की स्क्रीन मिरर कर सकते हैं इसके साथ, उसके बाद ये प्रोमो वीडियो है, इसके अंदर जाएं आपको इधर ये मल्टीमीडिया को आपने USB किधर से अटैच कर सकते हैं, आपने इधर आना है न्यू डिवाइस पे, इस पर आके ये लिखा हुआ है मल्टीमीडिया प्लेयर, इसको ओके कर देना है, ये आपके सामने ऑप्शन आ गया है, आपने USB पीछे इसके साथ अटैच कर देनी है, इस पर ला के ओके करेंगे तो इधर आपकी वीडियो है, ऑडियो है, फोटेज है, कोई भी चीज़ है वो आपके सामने आ जाएगी। Thank you.